हाय फ्रेंड्स, आई एम सुमन शर्मा एंड आई एम द प्रोफेसर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आपके लिए मैंने कुछ एक नया मसाला लेके आई हूँ। नया मसाला लाइक व्हाट? हाउ टू राइट अ इफेक्टिव लेटर। ये बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में और आपके लेटर में भी। अगर आप जितनी खूबसूरती के साथ लेटर लिखोगे, उतना ही सामने वाला बंदा आपसे कन्विंस होता है। लेटर को हम साइलेंट सेल्समैन भी बोलते हैं। इसको कन्विंस करने के लिए बोलना नहीं पड़ता, इसीलिए आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। तो मेरे पास ऐसे कुछ मसाले हैं जो आपको काम आएंगे। ये 7 मसालों का एक नया इंग्रेडिएंट। सो लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस सम कम्युनिकेशन थिंग्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इफेक्टिव लेटर राइटिंग। तो फर्स्ट 7th सीज कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है। तो देखिए किस तरह से मैंने आपको ये बताया गया है, ताकि आपको इजीली वो याद रहे, इजी टू रिमेम्बरेबल। फर्स्ट थिंग, कम्प्लीटनेस। कम्प्लीटनेस का मतलब होता है, जिस तरह से मैंने आपको पहले वाले अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था, आपका डेट होना चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए, इनसाइड एड्रेस होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए, टूटिल फर्स्ट से लेकर लास्ट तक होना चाहिए। दैट इज़ अ कॉल द फुल इन्फॉर्मेशन। सेकेंड का मतलब होता है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब भी होता है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिनिमम वर्ड्स। मिनिमम वर्ड्स का मतलब होता है 1.5 पेज तक का लेटर होना चाहिए। द लेटर डोंट गो टू मच पेजेस, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इरिटेटिंग टू द रिसीवर। वो पढ़ेगा भी नहीं और आपका लेटर साइड में रख देगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको इफेक्टिव बनाना है। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होना चाहिए लेकिन मिनिमम वर्ड्स के साथ। थर्ड आपका सी बोलता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है रिसीवर्स इंटरेस्ट लाइन, ताकि वो सामने वाला बंदा इजीली कन्विंस हो सके। उसके ऐसे लिखो कि सामने वाले बंदे की ही हम उसके लिए बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो ही बंदा क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा सुनने के लिए और समझने के लिए। फोर्थ वन है कॉन्क्रीटनेस। जो भी हम आपको लेटर्स में लिख के देंगे और जो भी आप लिख रहे हो, देम स्पेसिफाइड फैक्ट होना चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी इन्होंने चाहिए, क्योंकि लेटर का मतलब ही होता है कि आप एकदम परफेक्ट और द कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दो, इसीलिए वो इफेक्टिव लेटर भी बोला जाता है। फिफ्थ वन क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब होता है अंडरस्टैंड ईजियर। इट मीन्स अगर बंदा पढ़े तो उसको ईजिली समझ में आए। डोंट यूज़ अर टू मच टेक्निकल वर्ड्स, डोंट यूज़ अर टू मच जार्गन और द कमर्शियल वर्ड्स, जस्ट बिट इन्फॉर्मेशन, दोज आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड और द सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज़ अ सिक्स, कर्टसी। ये कर्टसी मतलब एकदम काइंड वर्ड, पोलाइट वर्ड। तो सम इट मीन्स द अदर पार्टी आर द थिंकिंग कि हाँ, इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर। तो वो आराम से पढ़ेगा, ईजिली पढ़ेगा और इन्जॉय के साथ पढ़ेगा, तभी इसलिए आपका लेटर उस तरह से होना चाहिए। एंड लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, 7th वन करेक्टनेस। एकदम लेवल ऑफ द लैंग्वेज शुड बी अ प्रॉपर और द करेक्टनेस, ताकि सामने वाले बंदे को ईजीली अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये लेटर किसके लिए है, कहाँ पर है, कैसा है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी आइडियाज़ क्या है, एवरी थिंग वॉट वी हैव टू बी वॉट बेस्ड ऑन दिस थिंग्स। सो माई फ्रेंड्स और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, कैसा लगा ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लेटर लाइनिंग? अगर कुछ आपको अच्छी चीज़ में लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हो सके तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।